जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल किसान आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी राकेश टिकैत जो नेतृत्व कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा के कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं चौधरी राकेश टिकैत जी का। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें ब्राह्मण महासभा के ब्राह्मण संगठन के कुछ लोग भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी राकेश टिकैत जी का पुतला दहन कर रहे हैं और पिंडदान भी कर रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि पिछले दिनों दिसंबर के महीने में चौधरी राकेश टिकैत जी ने एक मंच से बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण जिनकी एससी एसटी ओबीसी के लोग मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, माता बहनें जाती हैं मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाती हैं, दूध बहाती हैं, और वहाँ आज ऐसे वक्त पर जहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, अन्नदाता सड़कों पर है, तो वह ब्राह्मण क्यों नहीं उनके समर्थन में आ रहे हैं। खास तौर पर मंदिर के पुजारियों को टारगेट किया था चौधरी राकेश टिकैत जी ने। वहीं ब्राह्मण महासभा के कुछ लोग, ब्राह्मण संगठन के कुछ लोगों ने राकेश टिकैत जी का विरोध करना शुरू कर दिया था। और विरोध यहां तक नहीं, पिंडदान जो कि मरने के बाद किया जाता है ब्राह्मण व्यवस्था के अनुसार, जिसमें पिता की सेवा की जाती है, पिता का कर्ज अदा किया जाता है ऐसे बताया जाता है, और मरने के बाद मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, तो ऐसे में पिंडदान होता है, और वह पिंडदान कर रहे हैं यह लोग जो कि चौधरी राकेश टिकैत जी का पुतला दहन करने वाले हैं। और कह रहे हैं कि यदि चौधरी राकेश टिकैत जी का कुछ जमीर बचा हुआ हो, वह चिंता हो, और जिन्होंने चाय मांगी थी, खाना भोजन मांगा था, उनके लिए हम जलेबी देते हैं, और यदि वह मर गए हो तो उनके लिए हम पिंडदान कर रहे हैं। ब्राह्मण व्यवस्था के अनुसार भगवान विष्णु व महेश शंकर उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा कुछ कह रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। वहीं हम आपको इसका विश्लेषण करके बताते हैं कि एक व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था जिसमें चार वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आज के एससी एसटी ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वह सब शूद्र है, चाहे वह अपने आप को कितना भी ऊंचा समझ ले, लेकिन ब्राह्मण वह वैश्य क्षत्रिय के सामने वह शूद्र है, उनकी नजरों में वह शूद्र है। शूद्र आज का ओबीसी जाट गुजर सैनी माली अहीर कुम्हार केवट माली बहुत सारी ऐसी जातियां उपजातियां हैं जो ओबीसी जाति में आती है। वहीं ऐसी जाति अनुसूचित जाति जिसमें जाटव चमार कोरी धोबी पासी खटीक वाल्मीकि बहुत सारी जातियां हैं, ये सब शूद्र है। और वह शूद्र है जो अपने आप को आज कुछ कामयाब होने की वजह से या कुछ आगे बढ़कर जो दो पैसा पास आ गया उसके अनुसार अपने आप को उच्च वर्ण समझने लग जाती है, खास तौर पर हम कह दें तो ब्राह्मण समझने लग जाते हैं, हिंदू समझने लग जाते हैं। और उनकी नज़रों में जो आज मनुस्मृति के अनुसार जनरल है ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय है, वह आज भी इनको शूद्र ही समझते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोगों को। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने यह है जो आप देख रहे हो। हरि ओम अध्यामो गोत्र से खुशी गोत्र पन्नम समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा कृतस्य कर्मण राकेश टिकैत प्रेतस्य राकेश टिकैत कुमार नाम प्रेतस्य प्रेत मुक्ति हेतु अभिश्लोक वापते और भूख और प्यास शांतर्थम और इमा इदम पिंडम ते में अधीते तव प्रतिष्ठताम अनादि निद्रो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। हे भगवान, हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण भगवान, जिनकी गति नहीं होती उन आप गति प्रदान करते हैं, जिनकी भूख शांत नहीं होती उन भूख आप शांत करते हैं। राकेश टिकैत ने जो ब्राह्मणों से भोजन मांगा, खाना मांगा, चाय मांगी, उस सब के लिए हम यदि वो जीवित है, उसका कुछ जमीर जीवित है तो जीवित के लिए तो जलेबी है, पकौड़ी है, फल है, ये उसके लिए दान कर रहे हैं हम। यदि वो मर चुका है तो उसके लिए हम पिंड दान कर ले, मरने के बाद पिंड प्राप्त हो ब्राह्मणों की तरफ से, समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से प्रेत मोक्ष प्रदो भव। राकेश टिकैत को भगवान गति मुक्ति प्रदान करे। बोलो बोल भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। टिकैत मुर्दा भव। बोल भगवान परशुराम की जय। पिंडदान किया जा रहा है, ऐसे ही कोई एससी एसटी ओबीसी के लोग विरोध नहीं करते, ऐसे ही घृणा नहीं करते ब्राह्मण व्यवस्था से। ऐसी चीजें देखकर, ऐसी घटनाएं देखकर ही, व्यवस्था को देखकर ही ये जातिवाद बनती है, ये ऊंच नीच बनती है कि जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं,
वह किस तरीके का पाखंडवाद फैलाते हैं आप देख सकते हैं। और भाई हम आपको बता दे कि संत शिरोमणि रविदास जी का एक दोहा याद आता है कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। ये दोहा इन पर आज लागू होता है कि ऐसे लोग जो गुणहीन हो, जिनके अंदर कुछ गुण ही ना हो, ऊंच नीच की बात करते हो, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ऊंचा करार देते हो, ऐसे लोग गुणहीन हैं, इनको कभी ना पूजिए। और यदि चौधरी राकेश टिकैत जी जैसे एक शूद्र जाट समुदाय से ऐसा कर्म कर रहे हो जिनके अंदर गुण हो तो उनको पूजिए, उनका समर्थन कीजिए, वह दोहा आज लागू हो जाता है। और वहीं हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो ने हलचल पैदा कर दी अंबेडकरवादी व्यक्तियों के अंदर, जो अंबेडकरवाद को अहमियत देते हैं, अंबेडकरवाद व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, खासतौर पर जो आज के जागरूक कौम है। ऐसी कौम की यदि हम बात करें, चमार जाटव वाल्मीकि आज के, वह जागरूक है। और ओबीसी की यदि हम बात करें, यादव फर्स्ट नंबर पर, और उसके बाद दो चार कौम और है ऐसी जो कि जागरूक है, वह इस चीज़ को समझ जाती है कि क्या हो रहा है। अन्नदाता एक तरफ अपने हकूक के लिए, अपने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये मुट्ठी भर लोग जो अपनी उस व्यवस्था के अलाप रखते हैं। पिंडदान क्या मामला है, पिंडदान क्या अहमियत थी पिंडदान की, ये पिंडदान को क्या दिखाना चाहते हैं। अरे पिंडदान अपने अपने पास रखिए, ये पाखंडवाद मत फैलाइए। और हमने देखा सुना कि आज भी बागपत की साइड, पश्चिम उत्तर प्रदेश की साइड कुछ जो कौम है, जाट कौम जो एक काफ़ी साहसी कौम है, लड़ाकू कौम है, वह कभी किसी ब्राह्मण के सामने नहीं झुकती, और ब्राह्मण को कहते हैं वो पंडित, ओ यहाँ पंडित, पंडित फेरे डाल जल्दी, शादी कर जल्दी, फेरे पड़वा, इस तरीके से तू शब्द इस्तेमाल करके बात करते हैं, कोई सम्मान नहीं करते। इसलिए ये बनी हुई है वर्चस्व की लड़ाई कि ब्राह्मण का सम्मान नहीं होता तो वहाँ ये इस तरीके के पुतले फूंकने की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि गुलाम बनकर रहे ये जाट कौम भी ब्राह्मणों की, शूद्र है शूद्र ही रहे, लेकिन ऐसा इधर नहीं होता, क्योंकि हमने भी देखा और सुना कि ये जो कौम है, जो ये जातिवाद है, कुछ जातियाँ ऐसी है जो कि ब्राह्मणवाद को खुली चुनौती देती है। और वही आज चौधरी राकेश टिकैत जी घबरा नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुट्ठी भर लोग हैं, क्या उनका विरोध करेंगे और क्या इससे हासिल होगा। वह अपने क्रम में लगे हुए, जो उनका क्रम है, जो उनका कार्य है, आंदोलन को सफलतापूर्वक कामयाब करना, और वही वे आज करेंगे। तो हमने आपको बताया, आपको दिखाया कि पाखंडवाद में फैलाकर किस मोड़ पर देश को ले जाना चाहते हैं। आज भी ऐसी बातें करते हैं वन व्यवस्था की, पाखंडवाद की, ब्राह्मणवाद की, और जो आज शायद यह सफल नहीं होंगे। तो मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए जय भीम, नमः बुद्धाय, और ऐसे पाखंडवाद का करो सफाए। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।